हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हमारे शॉर्ट सम्स हैं उसका सम नंबर 14 करवा रहा हूँ। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4। 5/9, 4/9। They admitted Z as a new partner. All three partners will distribute future profit in equal proportion. Now, ये है old share. Z का share क्या है नहीं पता। New share तीनों partners का दिया हुआ है। New share X, Y and Z equal partners हैं। Means 1:1:1 शेयर में लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3। कैलकुलेट ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन कौन सेक्रीफाई करेगा? एक्स एंड वाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू। नाउ पहले एक्स के लिए, सो एक्स का ओल्ड शेयर है 5/9, न्यू शेयर है 1/3, सो 9 LCM, 5 minus 9/3, 3 × 1, 3, 2/9, y, 4/9, 1/3, so 9, 4 minus 3, 1/9। ये 4 minus 3 कैसे है? 4/9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होगा ना। यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखाऊँ। 4/9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 कैंसिल, तो 4 आएगा। सेम 1/3, तो मुझे 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 1 3 3 3 तो 3 आएगा। सो 4 minus 3, 1/9। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा एक्स एंड वाई के लिए 2/9 and 1/9, 2:1। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। अब नाउ लास्ट सम, सम नंबर 15। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. X, Y and Z. 3:1. ये है इनका old share. They admitted W as a new partner. Their new profit loss sharing ratio is to be 4:3:2:3. Calculate only sacrificing ratio. अब इनका new share क्या दिया हुआ है? So new share दिया हुआ है X, Y, Z and W. यहाँ पर आप याद रखिए जो आपको new partner होगा वो आपको last में लिखना है, क्योंकि न्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या कर देते हैं कि W X से पहले आता है, सो W X Y Z लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, पहले ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर को लास्ट में, अदरवाइज आपका न्यू शेयर चेंज हो जाएगा। अभी न्यू शेयर क्या है? सो न्यू शेयर है 4:3:2:3। फोर बाय ट्वेल्व
3/12, 2/12 and 3/12. सो ये है न्यू शेयर. नाउ सेम इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से जो मैंने यहाँ किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. सो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. सो एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एक्स ओल्ड शेयर 3 डिवाइड बाय 6 माइनस न्यू शेयर 4 डिवाइड बाय 12. 12 एलसीएम, 12 बाय 6 टू 2 इंटू 3, 6 माइनस 4. सो 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2 बाय 12. ओके, ये है एक्स का सेक्रीफाइस. नाउ वाई ने कितना सेक्रीफाई किया है? तो वाई का ओल्ड शेयर है 2/6, न्यू शेयर है 3/12, 12 एलसीएम, 12/6 टू 2 इंटू 2, 4 माइनस 3, 1/12. सो नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, हाँ जेड का सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है. जेड का सेक्रीफाइस क्यों नहीं हो रहा है वो मैं आपको देखिए. जेड का क्या होगा? जेड का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस न्यू शेयर 2/12. सो 12 एलसीएम, 12/6 2 इंटू 1 2 माइनस 2. सो जीरो आंसर आ रहा है. 0/12 क्या हो जाएगा? जीरो. दैट मीन्स नो सेक्रीफाइस नो गेन. अगर जीरो आंसर आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड का क्या हुआ है. जेड ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, नो सेक्रीफाइस, और ना ही इसे कोई गेन हुआ होगा. सो एक्स और वाई ने ही सेक्रीफाई किया है. किस रेशियो में? 2/12 एंड 1/12, 2:1. सो ये है आंसर. यहाँ पर हमने 15 सम्स पूरे किए जो शॉर्ट सम्स आपको दिए हुए थे, जिसमें हमने ये सीखा कि ओल्ड शेयर, न्यू शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो ये एक छोटा सा लेक्चर था. यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों सम. ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सम्स किए 15. नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 के आपको सम्स करवाऊंगा, उसमें भी 13 सम्स हैं. सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ.